हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग एक और एयरबड लेकर आए हैं। तो कौन सा एयरबड है? ये भी चाइनीज ब्रांड का एयरबड है जो कि पाकिस्तान में सस्ते दामों में बिक रहा है। कितने सस्ते हैं ये, कितने महंगे हैं, साउंड क्वालिटी क्या है इसकी और इसमें कितने कॉपीज आती हैं और ये कौन सी वही कॉपी है, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें आज इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, मॉडल कौन सा है? TWS N35 मॉडल है इसका, ठीक है। यहाँ पे चाइनीज है और नीचे यहाँ पे एयरबड का इन्होंने पिक्चर दी हुई है और साथ में बुलेट्स आ रही हैं। तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि गेमिंग को ज्यादा ये लोग मतलब फोकस कर रहे हैं। बैक पे अगर बात करें, बैक पे देखें तो यहाँ पे TWS N35 वायरलेस हेडसेट लिखा हुआ है, साथ में मॉडल्स का दिया गया। वायरलेस वर्जन है 5.3। कॉल टाइम क्या है? 6 घंटे इसका कॉल टाइम है। प्ले टाइम क्या है? 6 घंटे, मतलब कॉल टाइम और प्ले टाइम दोनों एक ही हैं। ट्रांसमिशन डिस्टेंस इसका क्या है? 10 मीटर्स, और मतलब कि 10 मीटर्स आपका ब्लूटूथ जो है वो इसको कनेक्ट कर सकता है, उसके बाद डिसकनेक्ट हो जाएगा ये। हेडफोन स्टैंड बाय टाइम जो है वो 1 घंटे तक है। अगर 1 घंटे तक आप कोई म्यूजिक या फिर कॉल या कुछ भी नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वायरलेस प्रोटोकॉल दिए गए हैं, HEP A2D जो भी है, यहाँ पे हमारे काम का ही तो है नहीं। साइड पे देखें तो यहाँ पे गेमर है एंड दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे म्यूजिक लिखा हुआ है। उसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें से अब निकलता क्या है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे एयरबड है, साथ में हमें तो यहाँ पे एक टाइप सी डेटा केबल दी गई है और टाइप सी आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। लुक की बात करें, प्लास्टिक की बात करें जो कि अभी ही हमारे सामने है, तो यहाँ पर जो इसकी प्लास्टिक, इसकी बिल्ड क्वालिटी है इतनी अच्छी भी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं है, बस नॉर्मल आ रही है। मतलब हार्ड है, काफ़ी हार्ड, इतनी जल्दी टूटने वगैरह वगैरह सीन कोई भी नहीं है। यहाँ पे लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग यहाँ पर आ नहीं रही है अभी, जस्ट इसकी शेप इन्होंने दी गई है। अभी जैसे इसको मैं निकाल के यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन लाइट की फिनिशिंग है और ऊपर से हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पर दिया गया जो कि हमें हमारा जो एयरबड्स हैं उसकी ग्रीनिश एंड रेड जो हमारे एयरबड हैं वो चार्ज होते हैं, तो तब हमें दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही चार्ज खत्म हो जाता है वो रेड लाइट जो उसकी होती है वो बिल्कुल ऑफ हो जाती है। तो मतलब कि लुक की बात करें, काफ़ी लुक अच्छी और बेहतर है। प्राइस टैग की बात करें तो ये आपको 1400-1500 में मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। ऑनलाइन अगर दराज की बात करें वहाँ पर भी इजीली 1400-1500 या 1600 के आसपास से मिल जाते हैं। अब ये कौन सी क्वालिटी आ रही है? नॉर्मल क्वालिटी आ रही है। इसके बाद जो आती है वो 2500 से 3000 वाली क्वालिटी आती है और फिर 4000 वाली क्वालिटी आती है। अब देखना ये है कि आप लोग कौन सी वाली लेते हैं। अब दिखने में यार ये बिल्कुल ना, सारे एयरबड ऑलमोस्ट चाइनीज के आ रहे हैं, वो सेम ही आ रहे हैं। दिखने में डिफरेंस कोई नहीं आ रहा था कि जिस तरह से मैंने M25 डमेक्स और न्यूएस को कंपैरिजन किया था, उसमें दोनों एक जैसे दिख रही हैं, कोई डिफरेंस दोनों में आ ही नहीं रहा। मतलब वो वाला डिफरेंस इनमें भी आता है, दिखने में सारे सेम होते हैं, जस्ट साउंड में, बैटरी में और ये जो इंटरनल इसकी चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें थोड़ी सी तो चीज़ें होती हैं यार, क्या होती हैं, एक लुक होती है जो कि बिल्कुल सेम हो जाती है, दूसरी आ जाती है बैटरी और तीसरी आ जाती है साउंड, ठीक है। इसकी जो साउंड है ये दिखने में तो आपको एयरबड बेस वाले लग रहे हैं, लेकिन इतनी हाई क्लास बेस इसमें नहीं है जो कि हम मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे। इससे जो मैंने पहले दराज से मंगवाई थी वो 533 वाली प्रोडक्ट, उनकी बेस ज़्यादा बेहतर थी कम्पेयर टू दिस वन। इसका थोड़ा सा ये कि शिशका वगैरह है। ओवरऑल बैटरी की बात करूँ तो यार 3 से 4 घंटे बैटरी निकाल लेता है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यार ये एयरबड है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से आपको कॉपीज़ का मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉपीज़ इसमें आ रही होती हैं, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी और ये मीडियम वाली कॉपी में भी इससे नीचे वाली भी कॉपी आती है, क्योंकि चाइनीज़ इतनी ज़्यादा कॉपीज़ और एक जैसी बना रहा है कि फ़र्क पता ही नहीं चल रहा कि यार इसमें फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि आपकी जो एयरबड्स होते हैं इनमें साउंड क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, बैटरी का फ़र्क आ जाता है, इनमें फ़र्क ये आ जाते हैं। तो मार्केट से आपको इतने का मिल जाएगा यार, और ये वाला नॉर्मल क्वालिटी है। और ये चीज़ आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि आपको पता चल जाए कि यार आखिर आप जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो। यार जस्ट इस एयरबड की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल सारे एयरबड्स की बात कर रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान में ना ये कॉपीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, हर एयरबड की आई हुई हैं और 3-3, 4-4 कॉपीज़ आ रही हैं। ओरिजिनल की प्राइस में आप लोग पता नहीं कौन सी वाली कॉपी लेके आते, अब समझ में भी नहीं आता और पता भी नहीं चलता यार कि कॉपी कौन सी आ रही है। ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स में अगर आ रही है तो ये मतलब कि ये नॉर्मल कॉपी है। ब्रांड्स को मैंने देखा है कि वो इस तरह के एयरबड्स इम्पोर्ट करके अपनी लुक लाइक पैकिंग करके वो लोग इसको सेल आउट कर रहे होते हैं। स्पेशली मैं लोगन की बात करूँगा, एक लोगन न्यू कंपनी है, ठीक है, LOGAN, साथ में यहाँ पे बता भी दूंगा, मेंशन भी कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ये सेम एयरबड वो लोग सेल कर रहे हैं लेकिन उनकी पैकिंग अपनी है।
इस तरह से डिफरेंट और कंपनीज भी हैं जो कि पैकिंग अपनी लगा लेते हैं और एयरबड चाइना से इंपोर्ट करके बेच रहे होते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी और बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी। अगर कुछ रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपने दो में याद रखे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।